अर्ज की दी वे कमली वालिया खुश ते मैं भी बड़ी सा पर अज तेन दिल गुदरे बच्चा दुनिया पे आया अखियां नहीं खोल दो हजूर ने परना चाची जान तुसी कहंदे हो अखां कोई नहीं अगे मेरे कोलों पुछो ते दोहां जग विच एवें दियां अखां ही कोई ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਚੰਦਰਾਏ ਵਾਲੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ 12 ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਟਿਕਟ ਉਮਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲ ਆਵਣ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਫਰਮਾ ਵਾਹਿਦਨ ਇਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾ ਇਸਮਾਇਲਾ ਤਾਹਿਰਾ ਬੈਤੀਆ ਲਿ ਤਾਇਬੀਨ ਵਲਾਕਿਬੀਨ परवरदिगार ने फरमाया दोवें बाप ते पुत्र नबी हो मेरे परौने वास्ते जांदे जा जा मेरे घर दी सफाई करी जाओ नौजवान किड्डी मोहब्बत दी बात जदे अल्लाह दे अपने घर दी वारी आई अपना घर नबिया तू साफ करांदा रहया जदों मुहम्मद दे घर दी वारी आई फरमाया तेरा घर मैं साफ कर देना अल्लाह ने रिचा फरमाया इल्ला बायुदुल्लाह लियुदहिबानकुम रिजस अहलल बैत वयुतहिरकुम तदहीरा इसे आशिक ने दत्तर जमा इंज फरमाया कहता अल्लाह अल्लाह नबी क्या घराना ये घराना बड़ा उल बड़ा है अल्लाह 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 नबी क्या घराना ये घराना बड़ा उल बड़ा है इसमें हसनैन है फातिमा है इस घराने मुश्किल कुशा है इसे बरादरी च एक बंदा अजमत वाला होवे तो अपने नाम ना चौधरी लिख दे या अली एक बंदा अजमत वाला होवे तो सारी बरादरी नाम ना चौधरी लिखना शुरू हो जाती है पीर सैयद तकीर शाह जी ओ ओ घराना तुहाडा ही घराना किड्डी अजमत वाला हो जेडे घराने च अली भी होवे ते नबी भी होवे भाई जेडे बेड़े च सैयद हजारा पाक ते हसनैन वसदे होवन कमली वाले ते मौला अली वसदे होवन उस घराने दी मैं की शान सुनावा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना बराउल बरा है अल्लाह दे नबी ने जदो कौन है जबाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरान दी चोटी ते खलो के फरमा इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लाह ने नबूवत फरमाया फरमा मैं तो सारे पर अल्लाह दा रसूल बन के आया ते कुफारे मक्का कह लगे ऐ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया ते रसूल ते तुहाडे तो पहले भी आए ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अदमता भी बयान फरमाया अल्लाह ने रिजा फरमाया या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबशिरा व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा परवरदिगार ने फरमाया मेरे यार दियां शाना पुछन वाल अपने यार नु मैं नबी भी बनाया शहीद भी बनाया अपने यार नु मुबशिर ते नज़ीर भी बनाया जद यार दियां शाना दस लियां ड्यूटियां दी वारी आई अल्लाह ने फरमाया वदाइन इलल्लाह
परवरदिगार ने परमा कमली वाले शैतान मेरे बंदन अगवा करके ले गया। सदा मेरे बंदन मेरे वाले दावत दई जाए पयू जकीम दिए शाना लेके गया। सदा मेरे बंदन पाके करी जा अर्द की दिया लदीने भी तेरे बंदन पाके करांगा। मैं ते रात भी तेरे बंदन पाके करांगा। अर्द की दिया ल मेरे घर का ख्याल कौन रखेगा। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया दिन ते रात मेरे बंदियां नु पाके करी जा घर वालियों की फिक्र ना करी इन्हां नु मैं पाक कर दें। अल्लाह फरमाया तू कर मेरे बंदियां नु पाक ते मैं करना तेरे घर वालों नु पाक। ओ किन्ने को पाक होणगे जिन्हां नु रब ने पाक कीता होवे। तर्जमा करवा के देवा हजरत मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। सच्ची दसो भाई रख चंद्राए वाले हो गुजर कलोनी वाले हो डेरा राइया वाले हो चंद्राए वाले हो तो कुर्बो जवार तो दाता दी पूरी नगरी तो वाले हो। ये जड़ी दिल्ली जी सुभान अल्लाह तुसी भी कहंदे हो एडी दिल्ली सुभान अल्लाह दा मैं गाक है मियां साहब फरमाते ने जो कुछ हट्टी दे विच होवे सो कढ़ना बंजारे एक बंजारे मोती वेचन एक मन के कज कारे। ते मेरी हट्टी इच साइयां सौदा इश्क रसूल दा रख्या है ते मैं गली गली ओही तकसीम कर रहा इस वास्ते मैं कह रहा मेरी अपनी तो कोई औकात नहीं पर जिहड़ा मैं सौदा दे रहा वह तो सोचा ना भाई है मेरी तो औकात को पूछे तो मैं तो कहांगा बस खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वड़ियाईयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया मेरी औकात नहीं मगर जो मैं बयान कर रहा वह तो ठीक है ना उच्चा बोलो सुभान अल्लाह ते चलिए हौले हौले मदीने। मैं ते तुसी आया गुल मुहम्मद दी शादी मनावन वेखो पर एक किड्डी खुशबख्त शादी होंदी है जिथे शादी साढ़े तुहाडे बच्चे दी होंदी है ते बयान मुस्तफा दी बेटी दी शादी दा होंदा है। किनिया बरकत हो जाती है उस शादी में जिथे सैयदा ज़ारा पाक दी ते मौला अली दी शादी है पाक दा जिक्र हो जाए। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आल नबी आल नबी औलाद अली दी सूरत शकल उना दी नाम लिया लख पाप नी रहंदे महल अंदर की जान दी बस नाम लिया नाम लिया लख पाप नी रहंदे के महल अंदर की जान दी। अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत। इन्हें पाक ने नबी दे घर वाले के बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे। मियां साहब दसना चाहते ने इन्ने पाक ने नबी दे घर वाले के ना दिया ना दिया तस्बियां पढ़े तो बंदा पाक हो जाता है। नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे मैल अंदर दी जांदी। आओ चलिए मौला अली दे दरवाजे ते इस महीने दी 13 तारीख 13 रजबुल मुरजब चंद दिन बाद आमन वाली है मौला अली दी विलादत पाक दा दिन। गली गली सुननी इंशाला जश्न मौला अली मनावणगे। ओ अली जो माँ शिख में चाहे ना हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली दी अम्मी जान हजूर दी चाची जान जिन्हां दे बारे मेरे नबी फरमावन उम्मी बाद उम्मी मेरी माँ दे बाद ए मेरी माँ है। ओ चाची जड़ी मामा वर्गी चाची जी दी कबर च मेरे नबी उतर के कबर च उतर के अर्ज की सी या अल्लाह तेनू मुहम्मद ते सारे नबियां दा वास्ते मेरी माँ दी कबर नू कुशादा फरमा दे। ओ हजरत फातिमा बिनते असद जिन्ने नबी नू पालिया जदों बचपन नबी दा सी ते वेला वेड़ा अली दा सी ते जदों बचपन अली दा सी ते वेड़ा नबी दा सी
नबी नू अली दी मां ने पालिया ते अली नू मोमिना दी मां खदीजा तुल कुबरा ने पालिया। मौला अली अल मुर्तजा जब अपनी अम्मी जान दे शिक में अतहरे चाहे ना कौन है ते वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाची नू मिलना होना ते चाची ने हुजूर दा चेहरा अनवर देखना ते उठ के खड़िया हो जाना। एक दिन रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बैठ के फरमा चाची जी तुसी मेरे मां लगदे हो ते पुत्र आऊं ते मामा नहीं उठ के खलोदियां मामा आऊं ते पुत्र उठ के खलोते ते तुसी मेरी मां लगदे हो ते मैं आवां तो तुसी ना उठ के खड़िया होया करो। मौला अली दी अम्मी कह लगी आवे कमली बोलिया मैं तेरे ना ही उठ के खड़ी आवां पर जेड़े वेले सोने बेड़े च आ जाने जड़ा बच्चा मेरे शिकल के अंदर ये मेरे पेट च अकड़ जाता है ये मैनू बैठन नहीं देता कहता अम्मा उठ के खड़ी हो जा वेख नबियां दा ईमान। मेरा दिल कर दे मैं पहले कुरान पढ़ा अदब मुस्तफा फिर हजरत सखी सुल्तान बाहू का कलाम पढ़ा औला जहा बोलो तुहानू किधरे नजर ना लग जाए हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे को शहीद ना हो जाए थोड़ा होर औला बोलो बार आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए इत्थे ते लंगर मिली जाना है ना ख्वाब तो है हमेशा काम में माड़ा कीता है भाई मनुष्य ने मैं बड़ी बार आख्या बाद च खिलाया करो लंगर खा के भी बोलिया जाता है थोड़ा थोड़ा लंगर करो वैसे खा के आया करो बंदा सुबह अल्लाह कह जोगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा ना तेनू पालिया ही हजूर दे लंगर ते ओ बोले सुभान अल्लाह जेड़ा मेरे नबी दी तकसीम चो खांदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया फल्लदीन आमनु बिही वअज़रूहु वनसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी अनज़िल माहू उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पीरे बहू ने दफ्तर जमे जे फरमाया आ फरमा दे ने इलम पढ़िया जौहर नहीं बने दे जेड़े हो मन जाते कभी नगीने रोशन खोलो कदे दाद नहीं मिले दी पामे होवन लख खजीने वो बिना अदब न जात नहीं मेरा गांव मिल बालो तामे मदीए बिच मदीने जिंदाबाद बिना अदब नजात नहीं कामिल बाहू पावे मरिए बिच मदीने हो दीन कुल्लहू अदब। सूफिया फरमाते ने कि दीन सारा है ही अदब। भाई जे रिश्ते विच अदब निकाल लिए ते रिश्ते मुक नहीं जांदे अहमियत खत्म नहीं हो जांदी दीन सारा है ही अदब। अदब नबी थी मोमिन हो में भी अदब सदौन कमीने बाज अदब दे बख्शिश ना ही पावे मरिए विच मदीने। उस अली दी अजमत तो सदके जावा जिन्ने मां दे शिक विच भी नबी दा अदब कीता उन्हें मुस्तफा दे अदब पिछे नमाज छड़ दी जिन्हें कदे छड़ी नहीं असर दी नमाज ही कजा कर दी आख्या मैं मुस्तफा दा अदब नहीं छड़ना। ओ अली
नौजवान जब विलादत का वेला आया ना मियां बाबर हरूनी साहब ते तेरा रजबुल मरजब दी रात ते मौला अली दी अम्मी जान ते नबी पाक इकट्ठे तवाफे काबा कर रहे एक दो तीन चौथे चक्कर दी बारी है। अचानक सैयद आलम ने तवाफ करदे करदे चाची दे चेहरे अनवर वल वेख्या ते वेख्या चाची दा चेहरा सुरख तकलीफ दे आसार ने। कौन है दिवाली ने फरमाया चाची जी खैर है। अर्ज कर दिया ओए कमली वाले आ इंज लगदा बच्चे दी वाला दादा वेला आ गया। नबी करीम ने फरमाया चाची जी जल्दी करो तवा पूरा करो। अर्ज कर दिया इंज लगदा तवा पूरा नहीं कीता जाना। हजूर ने फरमाया चाची जी कर लगिया जाओ। अर्ज कर दिया इंज लगदा घर भी नहीं जाया जाना। अचानक काबे दी दीवार फट गई नाले आवाज आई अपने घर नहीं जा सकती आजा मेरे घर। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे हैदरी। काबे चू आवाज आई आजा मेरे घर आजा। इतने उन्हें सुभान अल्लाह कहनी जेड़ा प्योर सुननी है। होर उचा बोलो सुभान अल्लाह। काबे चू आवाज आई आजा आज आजा मेरे घर आजा। सादात किराम तशरीफ फरमाने उलमा तशरीफ फरमाने तुसी पढ़े लिखे नौजवान तशरीफ फरमाओ। शरीयत मुस्तफा दा मसला है। शरीयत मुस्तफा दा कानून ते ज़ाबता ते उसूल है कि औरत बच्चे नु जन्म देवे ते 40 दिन तक वो हालत निफास है जी। 40 दिन तक औरत नमाज ना पढ़े बच्चे नु जन्म देवे तो बाद 40 दिन तक औरत कुरान मजीद की तिलावत ना करे कुरान पाक नु हाथ ना लगावे काबे दा तवाफ ना करे काबे दी दीवार ते पर्दे नु हाथ भी ना लगावे। क्यों? क्योंकि मर्द नु औरत जदों बच्चे नु जन्म देवे ना इंसान नु ते ओ पाक नहीं। यार औरत बच्चे नु जन्म दे के काबे नु हाथ नहीं ला सकती। किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है। बोले नहीं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ किन्ना को पाक होवेगा। जी 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 मैं सुना देना। ओ किन्ना को पाक होवेगा जेड़ा पैदा ही काबे दे विच पिया होंदा है। हैं वायु तहिरकुम ततहीरा जिन्ना नु रब ने पाक कीता होवे। अगली गल करिए भाई। मौला अली आए काबे विच काबा भी मस्जिद है। मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। काबा भी मस्जिद है ते मौला अली दी विलादत भी मस्जिद विच होई ते शहादत भी मस्जिद विच होई। अली आए भी मस्जिद विच ते गए भी मस्जिद विच ते अली ने दसया मेरा गुलाम ओए ते अली वाला ओए जेड़ा मस्जिद ते आवे सुभान अल्लाह ते जेड़ा मस्जिद ते ना आवे ओ अली दा की लगदा है। भाई जेड़ा मस्जिद च ना आवे अली दा ते रिश्ता ही मस्जिद च आए भी मस्जिद च ते गए भी मस्जिद च। अली दा दस्या के मेरा ताल्लुक ओदे नाल जेड़ा मस्जिद च आवे। मौला अली अल मुर्तजा शेरे खुदा दी अम्मी जान जदों काबे च गईयां मेरा दिल करदा मैं तुहानू 650 साल पिछे लै जावां। चलिए हुण मेरा कोई कसूर नहीं। मैं पूरे टाइम ते आया सा मैनू टाइम लेट मिलिया। 1:30 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहण जोगा ते नहीं ना रहिंदा। ते मैं हमेशा भाई मियां बाबर रूनी साहब सारे नौजवान मैनू हर महफल च लाहौर मिलते ते मैं जुमला कहना कि असी बचपन च किताब च पढ़ते होंगे सर सोया हुआ शहर एक कहानी थी ना स्कूल की किताब सोया हुआ शहर ते लाहौर जागता हुआ शहर। दिने आओ ते लौरिए जागते होंगे ने रात गुजरो ते जागते होंगे ने पता नहीं सौंदे खेड़े वेले हो तुसी भाई जागता शहर मासा जी माशाल्लाह जिंदा दिलाने लाहौर। ते मैं कदे मायूस नहीं गया उचा सुभान अल्लाह बोलो ते पता लगे मैं लाहौर ही बैठा भाई। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम की विलादत का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में आपका मिलाद और वाकया बयान किया। ईसा अलैहि सलाम की अम्मी जान हजरत मरियम बतूल अलैहा सलाम किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के हुजरे च इतकाफ बैठिया ने। अचानक जिबरील इंसान बन के ते हजरत मरियम के हुजरे च जाहिर हुए बशरन सबीया। मरियम घबरा गई आखे कि मर्द मेरे हुजरे च किवें आ गए। अचानक हजरत जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम नूं फूंक लगाई।
इधर जबरील ने फूक मारी तो ईसा अपनी मां के शिकमे च आ गया। जिन्हें फूक लगाई वह भी रूह तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह नज़ल बिहर रूहुल अमीन। अच्छा जेड़े जिब्रील ने फूक मारी ओ भी रूह उदा ना कुरान ने चला ने रूह रखे रूहुल अमीन। ते जिन्हों फूक मारी जेड़ा मां दे शिकम में चाया ओ ईसा भी रूहुल्ला। ओ ईसा जब दुनिया ते आए थे और ठोकर मार देने ते मुर्दे च रूह पाके उन्हें जिंदा कर देने। भाई जिब्रील फूक मारी ते ईसा मां दे शिकम में ईसा फूक मार देने ते अगो मुर्दा जिंदा कर देने। हजरत मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ईसा अलैह सलाम कायनात दा वाहिद इंसान है जिहड़ा तीन लम्हियां च पैदा होया। पहले लम्हे जिब्रील ने फूक मारी ते ईसा मां दे शिकम में अगले लम्हे विलादत दा वेला आ गया ते तीसरे लम्हे विलादत हो भी गई। हजरत मरियम अलैह सलाम परेशान विलादत दा वेला आ गया। अल्लाह ने फरमा मरियम दा रखी बिलच बाहर आना। अर्ज कीती या अल्लाह किथे जावां। पढ़िए कुरान फिर जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बहुजी इलैकि बिजदन नखला उसा किदा इलैकि रुदबन जनिया। अल्लाह ने फरमाया मरियम किबला जो बारे आओ ओ खजूर दी छावे आके बच्चे नु जन्म दे ले। नौजवान लाहौर दे रहने वाले जदो ईसा दी वलादत दा वेला आया मां किबले च बैठी है आवाज आई बारे आ जा बारे आ जा बारे आ जा। जदो अली दी वलादत दा वेला आया मां बार बैठी है आवाज आई अंदर आ जा अंदर। ईसा अलैहि सलाम दी मां नूं किबले चो बाहर भेजा गया ते अली दी मां नूं अंदर बुलाया गया। मैं इत्थे वज़ाहत हमेशा देना कि कोई नौजवान दे ज़हन च ख्याल ना आ जाए आसी साहब ते तुसी माज़ अल्लाह अजमत दा तकाबुल कर रहे हो। फिर ईसा अलैहि सलाम ने मौला अली दी मुकाम को ज्यादा माज़ अल्लाह ना ना मैं तकाबुल नहीं कर रहा। ईसा अलैहि सलाम नबी ने मौला अली किसे भी मुकाम ते पहुंच जान पर फिर भी सहाबी रसूल ने मर्तबा अपना अपना है। यार नाना दो तरह नु मोढ़े ते चुक लवे ते नाने ते मोड़े ते बैठ के दो तले दी शान को नाने नल वध ते नहीं ना जांदी। नाना नाना ही रहंदा दो तरा ही रहंदा है। पर होरे गुलामी है मुस्तफा दे सिला के अली दी अम्मी नो अंदर बुलाया जा रहा है। मौला अली दी अम्मी काबे दे अंदर तीन दिन काबे दे अंदर रही तीन दिन के बाद जो बाहर आईया तो मौला अली गोद पे खेल दे घर आईया ना नबी पाक ने पैगाम भेजा कि अल्लाह ने बड़ा सोना वीर अता किया आके देख लो हजूर खरामा खरामा चाची के घर आए आके फरमा लिया चाची जी मेरा वीर मेरी गोदी है। मौला अली की अम्मी ने अली नबी की गोद च रखा नाले अथरू अखियां छम छम पे। हजूर ने वेख के फरमा चाची जी अल्लाह पुत्र दे लोग खुशियां मना दे तुसी क्यों रोंदे हो। अर्ज की वे कमली वालिया खुश ते मैं भी बड़ी सा पर अज तीन दिन गुजरे बच्चा दुनिया के आया अखियां नहीं खोल दो मैं रोनी और पुत्र दियां अखां खोई नहीं पुत्र खबरे पैदाशी नबी ना आए। मेरे आका ने परना ले चाची जी मैं चेक कराओ अली नबी दी गोद च आए अग खोल के अली ने नबी दा चेहरा वेखे आओ। हजूर ने परना चाची जान तुसी कहंदे हो अखां खोई नहीं अगे मेरे को पुछो ते तो जग विच एवें दियां अखां ही कोई क्योंकि एक हज होंदा है वाह अली तेरे ज़ौके इबादत तू सदके जावा पैदा काबे दे विच होए ते काबे नूं वेख्या ही नहीं आख्या तेनू बाद च वेखांगा पहले तेरा काबा ते वेख लो। हां
तेनों वेख्या एक हज आउंदा ते ओनू वेख्या लख करोड़ां हजां हू क्योंकि हाजी ओ आओ शहनशाह का रौजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तर्जमा करवा के देवा हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कोलो। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा देवांगे। हैं हाथ नहीं ने जेड़े चुकदा नाल दा बेली उन्हें सहारा कराओ तो हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं जिंदा तो जागदी कौम ना मुखातिब होना अजे ते मैं शुरू पे आना अजे ते मैं शादी तक जाना है। जी 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 बाबा बुल्ले शाह दे पिंड माशाल्लाह जी माशाल्लाह पांडो की तो माशाल्लाह हजरत बाबा बुल्ले शाह दे अब्बा जी दा जिथे मजार है ना। हां माशाल्लाह पांडो की तो भाई बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने पहली पौड़ी पहली पौड़ी इश्क तेरे मके नौ जा दे मैं मुख वेखा तेरा लोकी हज मके नौ जा दे मैं मुख वेखा तेरा मिया साहब ने दत्तर जमें जे परमाया आ परमा देने तर मुर सिद्धा भाई खाना काबा अज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला के चल जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोवें हाथ चुक के बोलो बोलो सारे ऊंचा बोलो हाथ उठाओ सारे हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आवाज से बोलो जरा उठाओ दोवें हाथ तुसी ताजदारे खत्म नबूवत जिहड़ा मोहम्मद दा गुलाम है एक बारी जिहड़ा मौला अली दे जश्न च आए दोवें हाथ उठाओ जरा उठाओ स्टेज वाले भी उठाओ जरा सारे उठाइए ना आपको मोहम्मद और अली की विलादत का वास्ता कोई हाथ नीचे नहीं बुलंद आवाज दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज में लबाई की सदाएं आज चंद्राए से ये सदा उठे लाहौर गूंज उठे दोनों हाथ उठा के लबे लबे साल जिसने अभी तक हाथ नहीं उठाया अभी तक बोला नहीं उसके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि ये बाजी इश्क की बाजी है सुन लो ये बाजी इश्क की बाजी है ये बाजी तुम ही हारोगे हर घर से राजी निकलेगा तुम हर लाजी से हारोगे लब्बे 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 या रसूल अल्लाह लब्बे माशाल्लाह आमीन 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 आमीन। हुण बोलो सारे सुभान अल्लाह दर मुर्शिद दाई खाना काबा। मैं गल सुनाना होना पर अपने लुत्फ लेवन वास्ते सुनावन लगा मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ मेरे साई लजपाल मेरी जान मेरे ईमान ते मेरी हर चीज दुनिया कबर हशर अंदर मालिक ते निगहबान बाबा जी फरमाते कि असी हज करन गए ते पाकिस्तान दी वडेरी जी माई ना साडे नाल टुर गई पेंडू जी माई
माई जदों काबे दा तवाफ करे ना ते जदों हजरे असवद दे सामने आवे ते इंज करके इस्तलाम करके ना ते माई आखे वे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा सुभान अल्लाह। फिर माई चक्कर लगा के आवे हजरे असवद दे सामने आवे ते इस्तलाम करके ना ते माई आखे वे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा सुभान अल्लाह। फिर तवाफ करके आवे ते आके रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। जो सारे अरकान अदा कर लेना ते बाबा जी फरमाते ने असा माई नु काबे दे सामने खिलार के पुछया अम्मा इन्नी दूर तो अल्लाह ने तेनों अपने घर बुलाया है ते ओदे वेड़े च खलो के ओनू धमकियां लगाई जानी है ओ ना बख्शे ते की कर लेंगी। ते माई रो पई ते कहन लगी मैं की कर लेना मैं ते रब नू की ओंजी आखदी हां वे रब्बा इत्थे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुर जाणा है इत्थे ही बख्श दे चंगा रहते गा नहीं ते मैं मदीने टुर जाने क्योंकि काबे का काबा देखो सुभान अल्लाह। अली तेरे ज़ौके इबादत तो सदके जावा काबे च पैदा होके काबे नू नहीं वेख्या आख्या तेनू ते सारी जिंदगी वेखदे रहांगे पहले तेरा काबा ते वेख लवां। महशर दे दिन कयामत दे दिन ना काबे नू दुल्हन दी तरह सजाया जाएगा अल्लाह काबे नू फरमाएगा तुसी जन्नत च जाओ काबा जन्नत वाल टुरेगा ते अर्ज करेगा या अल्लाह जे इजाजत देवें सारी जिंदगी तेरा माही मैनू वेखण आंदा रहा अज मैं कमली वाले दी ज़ियारत ना करके आवां अल्लाह इजाजत देवेगा ते काबा नबी पाक दी बारगाह च हाजिर होवेगा। नबी पाक बड़े परेशान बैठे होवणगे ते काबा अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह तुसी क्यों परेशान हो। हजूर फरमावणगे कि अज रब बड़े जलाल च ते गुलाम बड़े गुनाह करके आए ने पंडा गुनाहां दीआं चुकियां अज की बन सी ते काबा अर्ज करेगा हजूर तुसी परेशान ना होवो ते मैं चलिया जन्नत च जिन्हें जिन्हें मैनू एक बार भी जिंदगी च ईमान की निगाह ना वेख्या ना माशर के मैदान च ऐलान करवा दियो कि वह मेरे पर्दे नाल लटक जावान ते मैं खिंच के सारे जन्नत चलिया जावान। हजूर फरमावानगे काबा जिन्हें तेनों वेख्या उन्होंने ते तू लै जाएगा ते जिन्ना मिसकीना नहीं वेख्या उन्हें गरीबों का जो कौन बनेगा ते काबा अर्ज करेगा जिन्हें मैनू वेख्या उन्होंने मैं लै जाना जिन्हें नहीं वेख्या उन्होंने तुसी लै जाया जाए। सारा जग काबे वल वेखे ते काबा मेरे मुस्तफा नू वेखण दीआं इजाजतां तलब करे पता लग्या ओ काबा ए काबे दा नहीं तुसी बोले मेरा दिल करदा मैं तुहानू फिर पीरे बाहू दे दरबार दा चक्कर ही लगवा लिया वहां तुहाडा की जांदा है ओ सुभान अल्लाह ते बोलो मोतियां वाली सरकार आरे बादे सुल्तान ने दरंगे जे पेश फरमाया आ फरमांदे ने मुर्शिद मक्का मक्का मुर्शिद मक्का ते तालिब हाजी फिर काबा इश्क बनाया सवारी तवाफ भी कीता अजे दिल मिलने ते आया ओ विच हुजूर सदा हर वेले असी करिए हज सवाया ओ जम जम जीवे मेरा मुर्शिद जेड़ा लो लो बिच समा भाई मुर्शिद मक्का ते तालिब हाजी सुभान अल्लाह। जे मैं गल इत्थे काबे ते काबे ते रखी ते अलहम्दुलिल्लाह पूरा उनवान है काबे दा काबा पर मैं मुड़ वापस आ जावा शेरे खुदा पैदा काबे च होए पर काबे नू वेखे नहीं आख्या तेनों बाद च वेखांगे जदों टिक टिकी लगा के मौला अली मेरे नबी दे चेहरे अनवर वल वेख्या वड्डे होए ना मौला अली ते एक दिन हुजूर फरमाया अली अख क्यों नहीं सा खोलदा अर्ज की वेखो ना कोई पैदा होवे ते मां नू कोई बाप नू कोई बहना भाईया अंग साह खाण गवांड वाले नू वेखदा है ते मैं अर्ज की या अल्लाह कोई एक बच्चा ते होना चाहिए अख खुले ते मुख नबी दा होवे। हजूर फरमाया फिर तुहानू किवें पता लगा कि मैं आ गया शेर खुदा अर्ज की वेखो ना जी जिन्हों किसी माही की सिख होवे ना जिन्हों तांग होवे किसी महबूब की जिन्हों सदर होवे किसी साईं की
जिन्हों उड़ीक ते इंतजार हो ना महबूब का दरवाजा हवा नाल भी खड़के इंज लगता जिवे यार आया है। अर्ज की सोने मैं सांस से सांस च हवा ते हवा च नबूवत की खुशबू गई ना ते अंदरों कुठी अली अखा खोल जी दियां उड़ीकां करदा से उमा ही आ गया है। मौला अली नु गुड़ती दुबान नबूवत दे चूसे मिले। मौला अली आए ते नबी दी दुबान दे चूसे। इमाम हसन हुसैन आए ते नबी दी दुबान दे चूसे। नबी दे घर दा जेड़ा बच्चा पैदा होता है गुड़ती च नबी दी दुबान दे चूसे मिलदे ने। साडा बच्चा पैदा होवे ते गुड़ती च शहद खजूर। पुराने जमाने च मामा को गुड़ को चीनी पीस के मिठी गुड़ती देंदियां सन। या अल्लाह जिहड़े नबी दे घर दे बच्चे ने इन्हां नूं गुड़ती मिठी नहीं देनी। अल्लाह फरमाया जग वालियो मैं भी कायनात च बड़ा कुछ मिठा बनाया पर एडा मिठा मैं भी कुछ नहीं बनाया जिड़ी मैं मुहम्मद दी जुबान ही मिठी बना दी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुन जी कहे। भाई अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई ये तो पक्की गल है ना। इन्नमा अमरुहु इदा अराद शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह कहता मैं जो किसी चीज का इरादा कर लवा मैं कहना कुन हो जा फयकून हो जाता। अच्छा अल्लाह ने कुन कह के कायनात बनाई है कुन क्या कि रब की तो जुबान ही कोई नहीं। बोलो भाई अल्लाह की तो जुबान ही कोई नहीं कायनात उन्हें कुन कह के बनाई तो कुन के जुबान आख्या। आला हजरत वो कुन वाली कुंजी दस रहे ने। आला हज़रत फरमाते ने वो जुबान जिसको सब कुन की कुन जी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पहला खौसला। ते मैं एदा तर्जमा इंज भी करया करना कि साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। ए साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते ए जिन्नू जिन्नू आउंदा मेरे नाल रल के पढ़ नबी दी नात पढ़े साडे नबी दी जुबान साडे हाथ खड़े करके लहरा क्या को साडे नबी दी जुबान साडे वास कुरान साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होरी दा बयान चंगा लगदा ही नहीं किसे होरी दा बयान चंगा रब आप के आ जिब्रीला तू जा रब आप के आ जिब्रीला तू जाओ जाके नबी नू ले आ अर्श सजदाई नहीं जाके नबी नू ले आ अर्श सजदाई नहीं साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। इंज भी एदा तर्जमा मैं करया करना उस बेसूरत ने बोल नखी बिच सूरत मुहम्मद दी बोल दाए पला सूरत मुहम्मद दी की बोले